कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 12 अध्याय 12 कठिन अवकलन प्रश्न इंटीग्रेशन dx / √3 sin x + cos x का मान ज्ञात करो। सबसे पहले दी गई कंडीशन में हम इसको ऐसा i इक्वल टू लिख लेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx / √3 sin x + cos x। इसमें हम मान लेंगे, कुछ मान लेते हैं। मानने वाले पद कुछ इस प्रकार से है, माना कि ये जो √3 है, कौन सा √3 है, इसको हम मान ले रहे। माना कि √3 जो है वो r cos अल्फा के बराबर है, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक, ये जो एक है वो किसके बराबर है, वो r sin अल्फा के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम क्या लिखेंगे, यदि ऐसी कंडीशन में इसके दोनों पक्षों का वर्ग करके अगर जोड़ दे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा + r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बराबर इसे √3 का वर्ग + 1 का वर्ग। दोनों ही पदों से r स्क्वायर को यदि कॉमन निकाला जाए तो यहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर अल्फा + sin स्क्वायर अल्फा, √3 का वर्ग 3 + 1, हम जानते हैं 3 + 1 4, और ये भी जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा + sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, इसका मतलब r स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका सीधा सा मतलब है कि जो r की वैल्यू आएगी, r इक्वल टू क्या जाएगा, 2। अगर r इक्वल टू 2 आया तो किसका मान, tan अल्फा का मान, r इक्वल टू 2 tan अल्फा sin अल्फा बटे cos अल्फा 1 बटे r √3 / r इक्वल टू 1 / √3, मतलब 10 पाई बाय 6 1 बाय रूट 3 के बराबर है, और साथ ही साथ वो 10 अल्फा के बराबर है। इट मीन्स अल्फा और पाई बाय 6 दोनों की दोनों वैल्यू आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो अगली स्टेप में हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx / √3 था, √3 को हमने क्या माना था, r cos अल्फा, r cos अल्फा इंटू sin x + r sin अल्फा इंटू cos x। अब हम में से सब जानते हैं कौन सी वैल्यू को, हम में से सब जानते हैं sin की वैल्यू को, क्या जानते हैं कि यदि sin a + b हो तो उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बिल्कुल उसी रूप में हमारे पास ये फैक्टर आ गया है। तो हम इसको लिखेंगे आई इक्वल टू 1 / आर इंटीग्रेशन डी एक्स / साइन एक्स + आर इक्वल टू I इक्वल टू 1 / आर इंटीग्रेशन, साइन को अगर अंश में ले जाना चाहे तो बिल्कुल ले जा सकते, पर साइन कन्वर्ट हो जाता है कोसेक में, x + आर क्या dx। अब जब कोसेक x + आर का इंटीग्रेशन करते तो इसके इंटीग्रेशन से हमको मिलेगा I इक्वल टू 1 / आर, इसका इंटीग्रेशन होगा तो मिलेगा क्या, log 10 x + यहाँ अल्फा लिखना है, यहाँ अल्फा था, x + अल्फा / 2, और हम इसको लिख देंगे प्लस c। अब हम जानते हैं अल्फा की वैल्यू आई गई थी पाई / 6, तो अगली स्टेप में हम इसको लिखेंगे I इक्वल टू 1 / आर लॉग 10 क्या
एक्स बाय टू प्लस पाई बाय ट्वेल्व प्लस सी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल, धन्यवाद।